अरे नहीं बेटी, मैं तारे से हाथ जोड़ के विनती करूं, जो काम धंधा ठेके टेंडर सीधर छोड़ गया उन्हें तू भूल जा। राम सिंह कटे है, गाड़ी निकाल और कल्लू जैसा टुंडा ने क्या दे चौराहे पे मिल ले। राज, क्या हम पूछ सकते हैं आप इतने गुस्से में कहां जा रहे हैं? आपकी फौज को अचानक आपकी जरूरत क्यों पड़ गई? और क्या हम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आजकल आप ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं जहां कोई भी कदम उठाने से पहले आपको हमारी राय मशवरा की जरूरत नहीं पड़ती? सलाह मशवरा ऐसा थारी हर बात को माला में पिरोकर बैठ तो आया है आज तक आपका ये भाई राज सिंह। पर अब जो इस घर में हो रहा है ना उसके बाद ना तो सलाह मशवरा की जरूरत है। ना ही थारी कोई बात सुनने की, क्योंकि थारी आंखों के ऊपर ये पट्टी लगी है ना, बी के पीछे से थाने साफ साफ कुछ नजर ना आ रहा। लगता नहीं कि जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। बहस नहीं भाई साहब, बहस बहस करने का समय ना है। क्योंकि थे भले ही अपने दो श्रीधर शास्त्री और बी से ज्यादा बी की लुगाई आनंद श्रीधर शास्त्री के प्रेम में मत हो, मैं कौनी राज ऐसी बात करती है राज, ऐसा आज बी के नाम की वजह से आपने अपना हाथ मारी ऊपर ऊंचा कर दिया। या थप्पड़ मारने के लिए मारे सर को
आज मैंने रुकड़ कहा, क्योंकि आज अगर मैं रुक गया तो हमारा बरसों का जमा जमाया धंधा चौपट हो जाएगा। और पूरे शहर में हमारे रजवाड़े का नाम खराब हो जाएगा। क्योंकि लोग तो यही कहेंगे कि राजा मानवेंद्र सिंह के वारिस एक ऐसे औरत के सामने घुसंड टेक दिए। जो उसे सामने से ललकार रही, ऐसा हो ना सके। राज, 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 नंदनी रोकी उन्हें। रोकी उन्हें। ये जो कुछ भी आज हो रहा है सा, उसकी कहानी तो बरसों पहले आपने खुद ही खाली पन्नों पर लिख दी थी। तो आज आप इतना सोच क्यों रहे हैं? यो कहीं है? अरे खाले पान है, अरे खाले तने तो पसंद है ना पान, फिर पान के नशे में जैसलमेर के रेगिस्तान की सैर करी है। हाँ और ई कागजों को देख के बता कि इतने सालों में श्रीधर शास्त्री के भरे टेंडर में से एक भी पास काहे नहीं हुआ। और या भी कि इस दफ्तर में समर बहादुर सिंह के भवानी कंस्ट्रक्शंस का असली प्यादा कौन है?
मारी तो कुछ भी समझ में आ रही कोनी कि थे कहीं कह रही हो। मैं कहीं बात करूं? बड़े बाबू, थारे को समझ में सब आ रहे हो, पर थारे को समझ में यो ना आ रहे हो है कि अब पहले जैसा ना चाड़ेगा, क्योंकि श्रीधर शास्त्री की ईमानदार कंपनी से टेंडर अब भी भरे जावेंगे। पर अगर थाने कुछ हेरा फेरी की ना बड़े बाबू, अच्छा ना भाया, ये देखो आज तो नगर निगम में मेला लाग्यो है। ये देखो राज सिंह भी आ गयो। फोन उठाओ। फोन उठाओ राज, फोन उठाओ। अरे भाया, पहले तो श्रीधर शास्त्री की लुगाई, फिर गौरी शंकर, और अब ये राज सिंह। अब देखो होवे क्या है भाया। भाई जी, लागे हुए बड़े बाबू को अब सारी बातें समझ में आने लगी। और जो अगर ना समझ में आई हैं तो इसी दफ्तर के बाहर पेड़ से उल्टा टांग दूंगी मैं। काहे कि शास्त्री जी की सीधी साधी ईमानदारी की बातें तो बिने समझ में कभी आई ना। तो कोई बात ना है, बीही लुगाई समझा देगी इन्हें, ठीक है? घड़े खम्मा समझ में आई ना। एक बात कहें समझ, आज आपको राज को रोकने के बजाय उसके साथ जाना था,
उस दुश्मनी को याद रखे जो आनंदी बार बार आप पर उछाल गई। मां साहब, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये कोई वक्त नहीं है कि तो हम किसी की दुश्मनी का जवाब दें। और वो भी ऐसे समय में जब आनंदी श्रीधर भाई साहब के दुख से उभर ही ना पाई हो। भाई साहब के दिल में आनंदी श्रीधर शास्त्री के लिए जो कुछ भी, मारे मन में तो भी के लिए वही है जो भी को मारे पूरे खानदान के लिए है। दुश्मनी बस। बस राजलक्ष्मी, आप इतना याद रखिए कि हमने अपने बेटों को हालात से मुंह फेरना नहीं सिखाया है। और हमें खुशी है कि हमारे सिखाए हुए पाठ आज तक हमारा राज भूला नहीं। माफी चाहते हैं मासा, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि आनंदी पर इस वक्त कैसा पागलपन सवार है। कहीं ऐसा ना हो कि उस पागलपन की वजह से वो देवरसा को चोट पहुंचा दे। भाई साहब, राज 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 हमारी बात सुनिए। देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिसके। समझ गया भाई साहब, सब समझ गया। थाने थारे भाई को छोड़कर पूरे जमाने की चिंता है। आप क्या कह रहे हैं? वही कहूं जो आप सुन रहे हैं। भाई साहब के दिल में आनंदी श्रीधर शास्त्री के लिए जो कुछ भी, मारे मन में तो भी के लिए वही है जो भी को मारे पूरे खानदान के लिए है। दुश्मनी बस। और एक बात सुन लीजिए, आज आनंदी श्रीधर शास्त्री जो रंग दिखाएगी ना, राज सिंह भी उसे उसी अंदाज में जवाब देगा। हेलो हेलो राज, क्या हुआ भाई साहब, क्या कहा उन्होंने? राज ने क्या कहा क्या नहीं कहा कुछ समझ में नहीं आया हमारे। राज जो भी करेंगे सही करेंगे। बस हमारा हमें एक बात समझ में नहीं आ, आपको किस बात का डर है? राज आनंदी की बात का जवाब देने गए।
आपको चिंता किस बात कि आपके भाई को किसी तरह की चोट ना पहुंचे? या आप किसी को राज के गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हें रास्ते से हटाने के लिए डुगडुगीना लोहे की जरूरत पड़े है, लोहे की। रास्ता रोक के मत खड़ा रहे राज सिंह, हट जा आठे से। चुप करो। पता है ना कौन सी बात कर रही है? यो तारा पति श्रीधर शास्त्री ना है जो थारी डुगडुगी पर नाचिया करे था। और राज सिंह है राज सिंह, बाहुबली राज सिंह। जिन्हें रास्ते से हटाने के लिए डुगडुगीना लोहे की जरूरत पड़े है, लोहे की। जो श्रीधर शास्त्री के पास तो थाना, और बीड़े चलाने के लिए बी में दम नहीं। टीवी पर ताने देखकर तो माने लग गया था कि अपने पति के सदमे में तू पगड़ा गई है। जी साहब जी, गोड़ियां चल गई साहब जी। क्या कह रहे हो तुम गौरी शंकर? साहब जी, नगर निगम के दफ्तर के बाहर घोड़ा खुल गयो और दोनों तरफ से गोड़ियां दागनी शुरू हो गई साहब जी। गोड़ियां चल गई? हाँ साहब जी।